जांबाज जनरल को पीएम मोदी और पूरे देश की तरफ से आखिरी और अंतिम श्रद्धांजलि। जी हाँ, तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हादसे में जान गंवाने वाले सभी 13 मृतकों के पार्थिव शरीर गुरुवार को विमान के जरिए दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लाए गए। जिस विमान में देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर लाया गया, उसी विमान में उनकी पत्नी मधुलिका का शव भी था। एयरपोर्ट पर पीएम नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए अजीत डोभाल ने पहुंचकर वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही केरल से लेकर कश्मीर तक वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी गई। आपको बता दें कि पालम एयरपोर्ट पर एक एक कर पार्थिव शरीर बाहर लाए गए। इस दौरान सबसे पहले जनरल बिपिन रावत का शव बाहर लाया गया। इस दौरान तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौके पर मौजूद थे। शव पहुंचते ही परिजन फफक फफक कर रो पड़े। इस दौरान सभी वीर सपूतों के परिजन यह मौके पर मौजूद रहे। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीडीएस के परिजनों से भी मिले और इसके अलावा सभी उन परिवारजनों से मिले जिनके लोग, जिनके साथी, जिनके भाई, जिनके बहन, जिनके पति, जिनके पिता अब नहीं रहे। जनरल बिपिन रावत समेत हादसे में जान गंवाने वाले सपूतों को केरल से लेकर कश्मीर तक में श्रद्धांजलि दी गई। वहीं कुन्नूर में जब सीडीएस के शव को लाया जा रहा था तो कुन्नूर के लोगों ने फूल बरसाकर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इतना ही नहीं, कश्मीर के लाल चौक पर भी लोगों ने वीर सपूतों को नम आंखों से याद किया। वहीं सूरत में बच्चों ने भी इन सभी लोगों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। आपको बताते हैं, हादसे में सीडीएस जनरल बिपिन रावत और मधुलिका रावत, ब्रिगेडियर LS लिद्दर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, विंग कमांडर PS चौहान, स्क्वाड्रन लीडर K सिंह, JW दास, JW प्रदीप A, हवलदार सतपाल, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लॉन्स नायक विवेक कुमार और लॉन्स नायक साई तेजा ने जान गंवाई थी। आपको बता दें कि बनारस के घाट पर भी लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। अधिकारियों के मुताबिक जनरल रावत, मधुलिका रावत, ब्रिगेडियर LS लिद्दर और विवेक कुमार के पार्थिव शरीरों की पहचान हो चुकी है। तय कार्यक्रम के अनुसार सुबह 11 से 12:30 बजे तक आम नागरिक रावत दंपत्ति को श्रद्धांजलि अर्पित कर पाएंगे। इसके बाद दोपहर 12:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक के बीच सैन्य अधिकारी श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे। फिर दोपहर 2 बजे उनके पार्थिव शव को दिल्ली कैंट बराल चौक अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा। यानी CDS अपने अंतिम सफर पर होंगे। क्विक न्यूज अपने पूरे परिवार की ओर से CDS और अन्य 12 लोगों को भी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। भारत माता की जय।